सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज चला रहे हैं अपना डुकासुर, और डुकासुर पे चेकआउट करते हैं आज का प्रॉपर वीडियो। वीडियो किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है? आज की वीडियो रहेगी अपनी, आपको अगर एक प्री ओन्ड बाइक परचेज करनी है, स्पेशली वो भी KTM की, तो आपको किन बातों का जरूर में ध्यान रखना चाहिए, है ना। और उसके अलावा आप लोग इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताना आपको कैमरा एंगल वगैरह कैसा नज़र आ रहा है, एंड उसी के साथ साथ आपको साउंड वगैरह कैसी आ रही है, तो सारी चीज़ें चेकआउट करके आप नीचे बताना मुझे। और ये सेंटर वाले को लगता है दिखाई नहीं कि ऊपर की रोड अलग है, नीचे की रोड अलग है। गुड बॉय। हालांकि ऊपर से भी कार निकल जाती है, बट नीचे जब रोड है तो भाई दिन में भी दिख रहा है, रात में तो क्या ही हाल होता है भाई, रात में फुल एक्सीडेंट होते हैं इधर। खैर, अभी तो मैं भाई जा रहा था ज़रा कुछ काम से, तो मैंने कहा अभी चलते हैं, एक बार अपने वीडियो भी बना लेंगे, साउंड वगैरह भी चेक कर लेंगे, और यहाँ लगा के आपको 360 शॉट भी दिखाएंगे। चल भाई, बाकी साउंड वगैरह कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अभी आगे मैं बाइक भी रोकूंगा कहीं पे अच्छी सी लोकेशन देख के, वहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक तो जैसे नॉर्मल आपकी बाइक खड़ी है तो आपको खड़ी बाइक पे क्या चेक करना चाहिए, और सेकेंडली अगर आप जैसे बाइक चला के देख रहे हो, जो कि अगर कभी भी सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हो तो भाई चला के देखना तो मस्ट है, मैंडेटरी है, तो चला के आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है वो चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो, है ना। तो अभी तो मैं डुकासुर चला ही रहा हूँ, तो अपने डुकासुर का ही अपना हम रेफरेंस लेंगे, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि अगर आप अदर कोई भी KTM की बाइक ले रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि भाई सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, पहले चलाने के बारे में बात करते हैं किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भाई चलाने में सबसे पहले बाइक के अंदर से ना, जब आप स्टार्ट करो तो आप जो एग्जॉस्ट होता है उसके ऊपर कपड़ा लगा लो या कुछ भी लगा लो, और कपड़ा लगाने के बाद आप जब अपना रेव करोगे ना, इंजन से कोई नॉकिंग की साउंड नहीं आनी चाहिए, कोई अननेसेसरी साउंड नहीं आनी चाहिए, सिर्फ इंजन से एकदम साइलेंट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम काम। कभी अगर कोई सुपर बाइक वगैरह देखते होंगे तो उनके एग्जॉस्ट की कितनी आवाज़ आती है, तो उनके एग्जॉस्ट के मुंह पर कपड़ा लगाओ और इंजन को स्टार्ट, बाइक स्टार्ट करो, हल्का सा रेव करो। जब आप हल्का रेव करोगे ना तो आपके इंजन से कोई अननेसेसरी साउंड नहीं है। जैसे सबसे पहले तो आप इंजन चेक ऐसे कर सकते हो कि इंजन लाइन से लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ बाइक के ऊपर एक आधा स्क्रैच हो या कुछ थोड़ी बहुत लिटिल बिट प्रॉब्लम हो, मान लो स्क्रैच है, गंदी दिख रही है, कहीं कोई स्टिकर उतर गए, वो हो गए, फट गए, वो सब चीज़ें एक बार के लिए एक्सेप्टेबल होती हैं। देखो ऊपर के कॉस्मेटिक्स में आप लोग कुछ भी कर सकते हो, बट मेजर प्रॉब्लम गाइस जब बनती है, जिनको आपने कहा गोली मारो, तो भाई इंजन देखना ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो एक इंजन चेक करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आप जैसे बाइक चलानी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले बैठ के देखो कि भाई क्लच वगैरह का फीडबैक कैसा है, गियर शिफ्टिंग कैसी है, और थ्रॉटल वायर टाइट तो नहीं है। जैसे कि 390 है तो इसमें तो थ्रॉटल वायर ही नहीं होती है, ड्यूक 390 में, RC 390 जो नई वाली आ रही है इनमें थ्रॉटल वायर ही नहीं आती है। इनके अंदर आप लोगों को पता होगा कि राइड बाय वायर रहता है, तो आपका सेंसर बेस सिस्टम रहता है, तो यहाँ तो वायर का कोई सीन नहीं है, तो ये चीज़ आपकी एक ओके हो जाएगी। ठीक है, क्लच वायर चेक कर सकते हो आप, टाइट तो नहीं है, बहुत हार्ड तो नहीं है, गियर शिफ्टिंग टाइट तो नहीं हो रही है, ब्रेकिंग चेक कर सकते हो ब्रेकिंग कैसी है, एंड उसके अलावा मैं ब्रेक पैड्स कैसे चेक करते हैं वो भी आपको देखने बता दूंगा। एंड मेजर चीज़ें ऐसी देखो जिनमें खर्चा ज़्यादा आता है, स्पेशली आप बाइक को पूरा भगा के देखो, अगर आप भगा रहे हो और भगाने में बाइक नहीं भाग रही है तो वहाँ पे आपको एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन आएगी कि अगर आप भगा रहे हो और नहीं भाग रही है तो इट मीन्स क्लच प्लेट को लेकर कुछ काम आ सकता है, क्योंकि क्लच प्लेट्स वगैरह ये ऐसी चीज़ें जिन पर आपका मोटा पैसा जाता है। ठीक है, अगर आपका क्लच प्लेट का इशू होगा तो वहाँ आपको पैसा पे करना पड़ेगा भगाने के लिए। नॉर्मल आप ऐसे बड़े हाईवे पर आओ अपना नॉर्मल, अरे हमारे में तो कुछ शिफ्टर भूल गया था, ऐसे चेक कर सकते हो। ये देखो मैंने इसका थर्ड गियर मैक्स आउट करा है, 390 की जो कुत्ते वाली स्पीड है उसी स्पीड से बाइक चढ़ी है, और अगर उसी स्पीड से बाइक नहीं चढ़ रही है या 8 या 9 हज़ार RPM पे जाके स्टक हो जा रही है या फिर एक्सेलरेशन स्लो हो जा रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पे आपकी जो बाइक है उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हो। एंड उसके अलावा एक मिनट, हाँ उसके अलावा आप लोग बाइक की क्या चीज़ चेक करवाओ, सबसे पहले सर्विस रिकॉर्ड निकालो इसका, KTM जाओ या किसी भी ब्रांड की आप बाइक ले रहे हो, तो हम तो 390 की बात कर रहे हैं, आप KTM जाओ, जाके KTM में पूरा सर्विस रिकॉर्ड निकालो, कहो भाई जी ऐसे ऐसे बाइक का नंबर है, कुछ आपसे 2-2.5 हज़ार रुपये या मान लो 1500 रुपये जो भी लेंगे, मैं कह नहीं सकता क्या पैसे लेंगे, तो आप उधर जाके अपना सर्विस रिकॉर्ड चेक, उधर जाके आप अपना प्रॉपर बाइक का जो पुराना इतिहास है वो निकाल लो, ये सर्विस सेंटर कितनी बार आई है, कितने किलोमीटर पर सर्विस हुई है, ये पार्ट अगर इसका चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर ओनर ये बातें पहले से बता देता है और सर्विस सेंटर वालों की बातें मैच हो जाती हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ओनर जो सच बोल रहा है। बट कई बार ऐसा होता है कि आप डीलर से बाइक ले रहे हो तो डीलर को ओनर ने मान लो पुरानी सारी बातें बताई गया, बट डीलर कुछ भूल गया, कुछ स्कैम करना चाह रहा है, तो वहाँ पर आप लोग ये मान के चलो कि आपका जो एक सर्विस रिकॉर्ड है वो एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि मतलब आपको सब कुछ बता देती है वो चीज़ बाइक के बारे में कि हाँ आपकी बाइक में ये इशू था या फिर ये इतनी बार सर्विस सेंटर आई थी, तो एक चीज़ आप वो चेक कर लो। एंड
उसके अलावा मैं कहीं आगे रुकने की बढ़िया सी लोकेशन देखता हूँ, फिर एक बार ही रुक के आपको तीन चार चीज़ें और बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ें और चेक करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्विक शिफ्टर है तो आप क्विक शिफ्टर चला के देखो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, अब ये सिक्स्थ गियर में फिफ्थ देखो बढ़िया चल रहा है एकदम बराबर, तो ये चीज़ आप अच्छे से चेकआउट करो एकदम हार्ड एंड फास्ट अपना बाइक को, हार्ड एंड फास्ट नहीं बोलूँगा मैं, बोलूँगा रफ एंड टफ तरीके से चेक करो, क्योंकि आप अपना मोटा पैसा दे रहे हो, अपना हार्ड अर्न मनी दे रहे हो, तो वहाँ पर बाइक चेक करना बनता है। हालांकि थोड़ी ये बाइक गंदी हो रही है मेरी डुकासुर, इसके ऊपर भाई माइंड मत करना, क्योंकि ये देख रहे हो बूंदों के निशान है, कल की बात है शायद या परसों की, मैं रात को आ रहा था बारिश पड़ गई अभी भीग गई पूरी, अब धुलवाऊंगा इसको, इसका मेरे को एक हैंडल का भी डिटेल डिटेल सा काम करवाना है तो वो चीज़ टाइट करवा लूँगा। और उसके अलावा ये बात रही इंजन की, आपने चला के देख ली, टायर्स वगैरह कैसे चेक करने हैं एक बार मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ आगे रुक के, कि मतलब बाइक के टायर को कैसे चेक कर सकते हो, कि मतलब टायर ख़त्म है या फिर सही है या फिर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी आपको आगे बताता हूँ कैसे चेकआउट करनी है। तो भाई देखो फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया कि मतलब क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, अब भाई अभी मैं पहुँचा है देखना कितनी हवा चल रही है, तो भाई इसके लिए थोड़ा अपोलोजाइज, तो बाकी बात करते हैं आपको और क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, जो मैं एक इंजन वाली बात बता रहा था वो मैं आपको एक बार ही चेकआउट करवाता हूँ। ये मैंने करी बाइक स्टार्ट, ये मैंने करा इसको न्यूट्रल सिंगल क्लिक पे, तो सबसे पहले भाई ये चेक कर लो कि सिंगल क्लिक पे स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, सिंगल क्लिक पे बाइक मेरी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद हमें चेक करना है इंजन से कोई अननेसेसरी साउंड तो नहीं आ रही, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इंजन आवाज़ कर रहा है, तो उसका भाई देखो इसमें फ्लैट टेम्परेली देखो ऐसे, ये देखो इंजन से देखा आप लोगों ने कोई साउंड नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने इसका यहाँ से जब मूव बंद कर दिया है ना, जब मैं ऐसे एग्जॉस्ट का मूव बंद कर दूंगा तो इंजन से अननेसेसरी कोई साउंड नहीं आनी चाहिए, और वो साउंड बिल्कुल नहीं आ रही है, तो इट मींस जो मेरा इंजन है वो एकदम ओके रिपोर्ट है, यहाँ पे आप इसके साथ जा सकते हो। सेकेंडली एक बार मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा आप मैकेनिक से भी चेक करा लो, क्योंकि मैकेनिक को थोड़ा ज़्यादा आइडिया होता है। नेक्स्ट चीज़ आपको सस्पेंशन चेक करनी है तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो, आप यहाँ से पीछे से अपनी बाइक को पकड़ो और ऐसे ऊपर नीचे हिलाओगे ना, तो अगर सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट होगा तो बहुत ज़्यादा डांस करेगी, और सस्पेंशन अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना तो आपको चलाते टाइम भी चीज़ समझ में आ जाएगी, तो एक सस्पेंशन चेक करनी है। नेक्स्ट चीज़ भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जो आपको चेक करनी चाहिए, वो है भाई इसकी सस्पेंशन की जो जय यहाँ से पिल्लू चलो इसको खेलने दो, तो यहाँ पे जो आपकी मतलब ये जो सस्पेंशन सील रहती है आपको ये चेक करनी चाहिए, यहाँ से कटी तो नहीं है, इसके ऊपर कोई ऑयल तो नहीं आ रहा है, तो वो भी चीज़ एक आपको चेक करने वाली बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ हो गई आपकी सस्पेंशन। नेक्स्ट चीज़ जो चेक करनी है वो है आपके ब्रेक पैड्स, देखो वो कैसे चेक होंगे मैं आपको बताता हूँ, आपको सिंपल ऐसे क्लिक या सिंपल ऐसे जूम करोगे यहाँ पे सामने की साइड, यार वीडियो में पता नहीं इतना नज़र आता ही नहीं आता, बट रियल लाइफ में अगर सामने देखोगे ना तो ब्रेक पैड्स नज़र आ जाते हैं कि कितने घिसे हैं कितने नहीं घिसे हैं, थोड़ी ब्राइटनेस भी बढ़ा देता हूँ, मे बी अब नज़र आ रहा होगा, तो अगर नज़र आ रहा है तो मैं आपको बताती जो ब्रेक पैड का लेदर होता है वो पता चल जाता है कितने घिसे हैं कितने नहीं घिसे हैं। और एक बार यही चीज़ मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ, देखो पीछे की साइड अगर आप लोग देखोगे तो पीछे की साइड में आपको यहाँ पर पता चलेगा कुछ ऐसे, तो ब्राइटनेस बढ़ाएंगे हम थोड़ी सी लिटिल लिटिल, ये चीज़ आपके ब्रेक पैड्स होते हैं, ये वाले आपके ब्रेक पैड्स होते हैं, ब्रेक पैड्स का लेदर होता है, अगर ये पूरा ख़त्म हो गया और ये दोनों आपस में टच होने लग गए मतलब कि आपकी जो ब्रेक की बाइट है वो ख़त्म हो जाएगी, और ओवरऑल आपके जो ब्रेक पैड्स है वो चेंज कराने का टाइम है। एक ये जो आपकी प्लेट है ये भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप इसे ऐसे टच करोगे ना, अगर ये आपकी जा रखी होगी तो इसके अंदर यहाँ पे आपको गैप पता चलेगा, गैप फील होगा, गैप इन द सेंस जब आप जैसे इसको टच करोगे तो ये पोर्शन जो है आपका ये वाला ये अंदर को घुस चुकी होगी, जो प्लेट है ना अंदर की तरफ जा चुकी होगी और ऊपर एजेस ज़्यादा निकल रहे होंगे। ऐसा होने का रीज़न क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं ब्रेक पैड जो है उन्हें चेंज नहीं कराते हैं और चलाए चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो प्लेट है ये भी चली जाती है, तो ये चीज़ एक चेक कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है एक बाइक की बैटरी, तो भाई बैटरी की डेट वगैरह चेकआउट कर लो, कितने पुराने कितने टाइम से चल रही है, और अगर हो सके तो बिल भी आप लोग देख सकते हो, बिल देख के आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई की मतलब कितनी पुरानी है, क्या बिल का स्टेटस है, क्या सीन शॉर्ट है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगी। और देखो अब हमने मोटा मोटा देखा जाए तो सब कुछ चेक कर लिया है, अब बात आती है मेन बाइक की जो ऊपर के पार्ट्स रहते हैं जिनको लोग चमका के रखते हैं, स्पेशली डीलर से बाय करोगे ना तो आपका जो टैंक है उसे पूरा चमका के रखेंगे, यहाँ पे इतनी पॉलिश मार देंगे, यहाँ तक कि आपके टायर्स के ऊपर भी वो यहाँ तक पूरी पूरी पॉलिश मार के रखते हैं, बट जो टायर के सेंटर का जो पार्ट होता है ना आप इसकी जो डेप्थ रहती है इससे आइडिया लगाना है आपको कि टायर कितना बचा है कितना ख़त्म है, क्योंकि अगर आप इससे आइडिया नहीं लगा पाओगे तो आपको ख़त्म टायर दे देंगे और कह देंगे अरे अभी तो बहुत है, क्योंकि जो टायर्स होते हैं सॉफ्ट कंपाउंड, ठीक है इनके साइड के पोर्शन काफ़ी बचे रहते हैं बट जो सेंटर पार्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा घिसने लगता है, और जैसे अविरल भाई वाली बाइक के ऊपर मैंने एक शॉट भी बनाया था अपने चैनल पर देखा होगा, तो उसका एक साइड से टायर जा चुका था एक साइड से ठीक था बाइक,
पूरा, तो वहाँ पे भी वो चीज़ भी बेकार रहती है। उससे ये प्रॉब्लम बनता है कि मे बी इसके सस्पेंशन सेटअप में या फिर कौन सेट में या फिर कुछ ना कुछ इशू है या एलॉय व्हील में कुछ इशू है, जिस वजह से वन साइडेड जा रहा है। एलॉय व्हील से मुझे अच्छा याद आया, आपको यहाँ से एलॉय व्हील भी एक बार चेक कर लेना है, कोई इसके अंदर बैंड तो नहीं है। बैंड होगा तो क्या करते हैं काफ़ी लोग इसको मतलब हथौड़े से बैंड निकलवा देते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो एलॉय व्हील की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो वो काम भी नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप लोगों को जो टायर में बता रहा था, टायर की यहाँ पे भाई आपको डेट भी लिखी रहती है, डेट चेक कर सकते हो, टायर का सेक्शन चेक कर सकते हो। वो सब मैंने जब बाइक में टायर डलवाया था ना उस दिन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। एंड एक नॉन एक्सीडेंटल होना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो चीज़ भी आप चेक कर सकते हो, पता चल जाता है सब। आप शोरूम में जाओ आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, अगर किसी का बड़ा क्रैश हुआ होता है हर बंदा क्लेम लेता है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। एंड उसके अलावा तो देखो ओवरऑल अगर ऊपर कोई छोटे बहुत स्क्रैचेज है थोड़े बहुत है, तो देखो भाई पीरियड में थोड़ा बहुत स्क्रैच मिलना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो चीज़ थोड़ी सी एक्सेप्टेबल है, वो मुझे लगता है कि चल जाएगी। बट हाँ, इंजन लाइन से बाइक अच्छी होनी चाहिए, क्लच प्लेट्स में इशू नहीं होनी चाहिए, क्लच वायर वगैरह ठीक होनी चाहिए, क्लच का फीडबैक अच्छा हो, ये बटन सारे वर्क कर रहे हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह जैसे इसके अंदर सब है वो सारी चीज़ें वर्क करनी चाहिए, तो उन सारी चीज़ों पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है। और एक ध्यान देने वाली चीज़ है भाई ये इसका चेन सेट, अभी मैं इसको वॉश कराऊंगा ना तो जितना कचरा वचरा लग रहा है सब भी हट जाएगा और चेन ल्यूब भी हो जाएगी, चेन क्लीन भी हो जाएगी, अभी तो बहुत गंदी हो रही है। तो ये भी एक चैन सेट भी देखने वाली चीज़ है, जैसे कि मेरी बाइक 17,000 चली हुई है, 17,000 में बंदा कह रहा है अभी तो मेरा पहला चैन सेट चल रहा है, तो आप इसके दांत देख के आइडिया नहीं लगा सकते कि चैन सेट खत्म है क्या है। जैसे आप बाइक चलाओगे, बाइक चलाते आपको चेन से आवाज़ आने लग जाएगी, अननेसेसरी साउंड करेगी, थोड़ा नॉर्मल साउंड KTM की बाइक्स करती हैं वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट हाँ वो चीज़ आपकी देखने वाली है। अब एक चीज़ रहती है कि भाई KTM की बाइक प्रीओन में मैं सजेस्ट करूँगा या फिर नहीं करूँगा लेना, वो एक बड़ा सवाल है। जो BS6 के बाद वाली है उनको तो आप फिर भी एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि भाई किसी पिछले ओनर का ना पुराने का पता नहीं है वो कैसे चला रहा है, जो एक फैक्ट बात रहती है, ठीक है। और रही बात जो इंजन की है, तो इंजन का तो सीन देखो यही रहता है। अब अगर जैसे मान लो किसी बंदे ने खरीदी है बाइक 390 ले रखी है, तो भाई बंदा थोड़ा तो भगाएगा ना, और ये इंजन भी हाई कंप्रेशन है, बनी भी है बाइक भागने के लिए, परफॉर्मेंस बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, तो ये भागेगी ही भागेगी। तो वहाँ पे ये रहता है कि भाई पुराना जो ओनर है, जो पुराना कस्टमर है, उसने बाइक के अंदर जो चीज़ें यूज़ करी है वो किस क्वालिटी करी है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इस बाइक के अंदर इंजन ऑयल डालना चाहिए 7100 मॉडल वाला, उसके अंदर कोई सस्ता वाला 500-600 रुपये का, तो वहाँ मैं कहीं ना कहीं इंजन की बैंड बजा रहा हूँ, इंजन की वॉट लगा रहा हूँ, तो वो एक चीज़ देखने वाली है। और अगर वहीं पर मुझे पता चलता है कि भाई पुराने उन्होंने तो सारी चीज़ें टॉप नॉच डलवा रखी है, इंजन ऑयल भी इसके अंदर बहुत अच्छा है, कूलेंट भी बहुत अच्छा डला हुआ है, टाइम टू टाइम ग्रीसिंग हो रही है, लुब्रिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि भाई पुराना ओनर अपने व्हीकल से प्यार करता था, अच्छे से उसने संभाल के रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें भी आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी अगर आप एक प्रीओन्ड बाइक लेने जा रहे हैं। मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगा डीलर के बजाय अगर आप लोगों को पुराना कस्टमर मिल जाए ना जिसकी बाइक थी, उससे लेना ज़्यादा कंसीडर करना, क्योंकि वहाँ पे आपको जो रियलिटी है ना वो ज़्यादा पता चलेगी। डीलर के केस में ऐसा रहता है कि भाई वो तो भाई अपने ऐसे सब कुछ अच्छा 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 ही अच्छा बोलते हैं, बाकी बाद में होता क्या है आप ले लेते हो और बाद में कुछ का कुछ निकलता है, तो वो चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनाती है, तो उस चीज़ का आप लोग अपने से एक बार ध्यान रख सकते हो। बाकी एक प्रीओन्ड बाइक लेते हो स्पेशली KTM की, इन बातों का ध्यान रखना, इंजन विंजन वाली सारी बातें बता दी मैंने आपको, टायर्स बता दिए, चेन सेट बता दिए, क्लच बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया, चला के बता दिया, ओवरऑल अगर आपने इतनी बातों का ध्यान रख लिया आप गलत बाइक के चक्कर में नहीं फंसोगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मीटर बैक बैक वाली चीज़ ऐसी रहती है, लोग कहते हैं मीटर बैक करा देते हैं ये होता है, उसके लिए कंपनी जाओगे जब सर्विस रिकॉर्ड चेक करोगे ना तो कंपनी में सारा आपको मीटर का स्टेटस मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मीटर चेंज हुआ है, रीज़न बहुत हो जाते हैं, बट आप एक बार अपने एंड से क्रॉस चेक कर लेना, प्रॉपर चेकआउट करना जब भी बाइक को बाय करना। और आज की इस वीडियो में फिर तय रखते हैं, होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा हो तो लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।